पैसा नहीं है मेरे पास, मेरा पैसा खत्म हो गया। कल मनी, कल भगवान हो जाए, कल हो ही जाएगा। कल रुको ना, तो 5 और थोड़ा सा सिर्फ पानी इसमें ऐड करेंगे क्योंकि डबकेगा थोड़ा। उसके बाद हमारा चना का सब्जी रेडी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग भी अच्छे हैं। और ये मॉर्निंग के टाइम हम सुबह जल्दी उठे क्योंकि हॉस्पिटल के लिए भी निकलना है और घर का सारा काम भी कंप्लीट कर लेंगे। बट घर का काम अभी तक मेरा कंप्लीट कुछ हुआ नहीं, सिर्फ पानी भरना हुआ और किचन का ही काम अभी कंप्लीट किया। बाकी घर पर वैसे ही पड़ा, देख सकते हैं इधर भी कपड़ा वपड़ा पड़ा है। और इसको रूम से उठा के लेके आए अभी यहाँ पे भी सो गई है। स्कूल का टाइम देखिए 8:30 होने वाला है, इतनी बदमाश है। चलो उठो, आप बोले थे ना चाउमीन ले जाएंगे टिफिन, हम चाउमीन बना दे रहे हैं, हम चाउमीन बना रहे टिफिन। चलो उठो, बहुत बदमाश हो गई, उठ रही नहीं है। बताइए अगर मनीषा भी सोई हुई है, किसको हम देखे, कहाँ देखेंगे बताइए। इधर अभी जैसे दुकान गया था, बगल में दुकान, मामा का दुकान है, वहाँ से जाके चाउमीन लेके आए। आया पानी चढ़ाया, चाउमीन फटाफट बनाते हैं, इधर चावल चढ़ाए हम, दोनों तरफ काम हो रहा है। नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, देख रहे आखिर फोन देखे गया, अभी नौटंकी कर रही है। क्या हुआ, पंखा चालू नहीं करेंगे, अभी स्कूल जाने का टाइम हो गया है। चलो उठो, पंखा चालू अभी नहीं करेंगे, इसको हम पहले ब्रश कराते हैं, इसको उठा के और रेडी करता है पहले, क्योंकि लेट हो जाएगा। 8:30 होने वाला है, 8:30 बजे स्कूल है, और अब तक चाउमीन भी कम्प्लीट नहीं हुआ, चाउमीन भी बनाना है, सारा काम पहले हम कम्प्लीट करते हैं। चलो उठो उठो, किचन में काम करते करते ना पूरा भीग जाते हैं। चाउमीन हमारा हो गया है, देख सकते हैं एकदम प्लेन चाउमीन बनाया है। पीयू के लिए हम लोग भी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, थोड़ा इतना तो खाए ही नहीं। इधर इधर चावल चढ़ाए थे, अभी इधर चढ़ा दिए क्योंकि गैस बहुत खत्म होता है, एकदम हिसाब से चलाना पड़ता है गैस। तो अभी पीयू का भी टाइम बहुत जाती है क्योंकि इसका पापा है, फटाफट रेडी भी कर दिए, रेडी भी हो गई है। रेडी हो गई बेटा, हाँ जाना पूछो ना। चलिए टिफिन हम पैक कर देते हैं, ओके। होमवर्क भी अपने से कर ली है, कल हम चेक करने भूल गए थे, अभी सुबह सुबह जैसे जस्ट चेक किए तो देख रहा पूरा कंप्लीट है, मेरी बच्ची अपने से कर ली है जी। हमारा टिफिन भर लेते हैं पहले, टाइम भी नहीं है। सब्जी लंच दोपहर का क्या सब्जी बनाएंगे वही समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं पहले हम टिफिन भर लेते हैं। चाउमीन तो हो गया कंप्लीट, पूरा प्लेन चाउमीन बनाया है, मसाला सिर्फ चाउमीन मसाला से थोड़ा सा ऐड किया है। और आज का मौसम देखिए इतना बढ़िया है, बाहर देखिए बहुत मस्त है मौसम, ना धूप नहीं है, ऐसा मौसम अच्छा लगता है। तो पैक कर देते हैं, गाजर मुझे जो दिख रहा है ना ये सब भी नहीं खाएगी, देखिएगा छोड़ देगी, कितना मुश्किल से उसको मतलब खिलाना पड़ता है। तो गाजर सभी चुन चुन के दे दे रहे, छोटू सा चम्मच। चलिए चलिए टाइम नहीं है, चावल अपना हो रहा है। बेटा टिफिन थोड़ा गर्म है ना, आराम से निकाल के खाइएगा। चलिए उठिए, नहीं रोते बेटा, गुड गर्ल, गुड गर्ल, रोते नहीं है। अब पापा जल्दी लेने आ जाएंगे, ओके, पापा का साथ रहिएगा, आज जल्दी चल जाइएगा उसको लेने के लिए, ठीक है ना। जाइए, बाय। अब पूरा टिफिन फिनिश करके आइएगा, फ्रेंड को भी खिलाइएगा, अब भी खाइएगा, ओके, बाय। पीयू भी चल गई स्कूल और अब जा रहे फटाफट सारा घर का काम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर फ्रेश होकर निकलना हॉस्पिटल के लिए। ये महारानी अभी तक उठी नहीं है, देखिए ना मनीषा उठो, देखिए सोई है, हॉस्पिटल जाना है इसको, कल ही बोले है अभी तक सोई हुई है। हम कितना भीग जा रहे पसीना से। मनीषा
चलो चलो उठो, इतना लेट से सोती है, रात में अभी उठ नहीं रही है। उठो, जाना है हॉस्पिटल पता है, फिर भी सोई हुई है। चलो उठो, चलिए हम बेड झाड़ लेते, झाड़ू उड़ू कर लेते हैं फटाफट। रूम का सारा काम कंप्लीट हो गया है, झाड़ू पोछा भी हो गया है। अब हम फिर से आ गए किचन में और नाश्ता भी हमारा हो गया है। बनीसा के लिए सब तो अभी निकाल के रख दिए हैं, वो अभी तक उठ ही नहीं है। महारानी तो उसको उठा रहा है तभी से उठ नहीं रही है, कब जाएगी हॉस्पिटल पता भी नहीं। 9:30 होने वाला, जबकि हम लोग को 8:30 पीहू को स्कूल छोड़, मतलब पीहू निकलने का टाइम है, हम लोग को भी निकलना था, बट अभी तक उठ ही नहीं है। तो हम तब तक अपना किचन का ही काम कंप्लीट कर लेते। चावल तो हो गया है और अभी हम बनाएंगे यहाँ पे चना का सब्जी। यहाँ चना चढ़ाया है, मसाला रेडी कर लिया है, ये रहा देखिए मसाला भी मेरा रेडी हो चुका है। तो मसाला फ्राई करते करते चना हमारा सीझ जाएगा, तो फटाफट चना का सब्जी कर लेते हैं। और बारिश भी हो रही है, देखिए बिन मौसम बारिश हो रही है, धूप भी है बारिश भी हो रही है, कैसा चमत्कार है यार ये पता नहीं, देखिए ना धूप भी है बारिश भी हो रही है। वो भाई कितना तेज बारिश है, पता नहीं चल रहा फोन में, लेकिन सामने में है ना तो पता चल रहा है, वो तेज बारिश है, धूप भी है। चलो अच्छी बात है, बारिश होने से ना अच्छा लगता है ठंडा ठंडा मौसम में। तो पहले हम गप सप बाद में करते हैं और पहले हम अपना सब्जी रेडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग को निकलना भी, उसको भी हम जा रहे उठाएंगे डांट के। बाबू नाश्ता किए हैं, बाबू को भी चाउमीन दिए थे, थोड़ा सा खाए या मेरे लिए थोड़ा सा छोड़ दी तो हम भी खा लेते हैं, हम खाए नहीं, हम बोले खा लिए बट हम खाए नहीं हैं, थोड़ा सा हम भी खा लेते हैं और फिर चना का सब्जी फटाफट हम बना लेते हैं। चलिए तेल भी हमारा गर्म हो गया, देखिए ना तेल भी गर्म हो गया, फटाफट ये प्याज जो फ्राई की वो ऐड कर देते हैं। दो टमाटर ऐड कर दिए हैं, अब इसमें हल्का हल्का हल्दी पाउडर, हल्दी, जीरा, धनिया और मिर्ची पाउडर चारों ऐड करेंगे। इधर मसाला फ्राई हो गया हमारा, मसाला फ्राई होते होते इधर चना भी सीझ चुका है, सीझ गया चना भी, अब इसमें चना ऐड कर देते हैं। सारा चना ऐड कर दी है, पानी के साथ ये जो पानी मतलब इसमें ऐड किए थे एक ही साथ हम पूरा डाल दिए हैं, और थोड़ा सा सिर्फ पानी इसमें ऐड करेंगे क्योंकि डबकेगा थोड़ा, उसके बाद हमारा चना का सब्जी रेडी है। सो फाइनली सारा काम कंप्लीट करके अब हम रेडी हो गए, रेडी हो के अब हम निकल रहे हैं। और फ़ोन मेरा चार्ज नहीं हुआ है क्योंकि फ़ोन से हमको वीडियो बनाना था और रात पे भी चार्ज में नहीं बैठा है, तो उस वजह से फ़ोन मेरा चार्ज सुबह हम कर नहीं पाए। तो चार्जर लेके जा रहे हैं और ये लेके जा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं आपका पावर बैंक, तो उससे चार्ज करेंगे। तो चलिए निकलते हैं, लाइट फ़ैन ऑफ करते, तर मंजिशा वहाँ पर बैठी हुई है, देखिए कैसे उसको जहाँ मिल रहा वहाँ बैठ जा रही है, अभी डेट सामने आ गया ना तो अभी उसको वैसे ही लगेगा। तो चलिए निकलते हैं और फिर मिलते हैं, घर से निकल गए हैं, ऑटो में बैठ गए और अब चलिए चलते हैं। आज तो मौसम बहुत अच्छा किया है, देख सकते हैं बहुत सुंदर मौसम है, इसलिए स्कार्प भी नहीं बांधे हम फेस में। तो चलिए हॉस्पिटल के लिए पहुँचते हैं, फिर मिलते हैं। हॉस्पिटल तो पहुंच गए हैं और भीड़, ओह माय गॉड इतना भीड़, भीड़ देख के तो हालत ख़राब हो जा रहा है, क्या होगा। आज भी हम लोग को रिटर्न घर जाना पड़ रहा है, आज भी अल्ट्रासाउंड नहीं, पेपर नहीं दिए, कल साइन नहीं कर देगा अपना, बहुत गुस्सा आ रहा है, रोज आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, इधर भी इतना भीड़ और पैसा नहीं है मेरे पास, पता पैसा ख़त्म हो गया, कल मनीषा देगी भाड़ा, देगी ना ATM घसेगी कल मनीषा ATM का जगह बर्तन घसेगी ATM का जगह बर्तन घसेगी बोल रही, इतना भी इतना जल्दी आके भी कुछ काम करें, आओ जल्दी आने से ना हो जाती, इसका वजह से हुआ सब, इसका वजह से सोई है, रात भर फोन चलाएगी और सुबह में उठने नहीं खोजेगी। हम पंखा भी बंद कर दिए, हमको लगा गर्मी लगेगा तो उठ जाएगी, माँ अगर हम पसीना से भी सोए हैं कोई मतलब नहीं, बस सोना मेरे को, इसका वजह से आज लेट होने तो आज हो गया रहता हूँ, तो गुस्सा रोज आना जाना आना जाना, कल भगवान हो जाए, कल हो ही जाएगा, कल रुको ना तो 5:00 सुबह उठाएंगे।
अरे 3-4 बार उठते हैं सुबह में, फिर उसको फिर सो जाते हैं। 5 बजे कल तुमको उठाएंगे यार, देखना ना। और अभी झाड़ू तो मार के आए, पोछा लगाएगी घर में। हाँ। पीहू क्या बोलती है, हम मेरी मम्मी के घर में झाड़ू पोछा काम करेंगे और 500 रुपए महीना लेंगे। बहुत बोलती है। तब चलिए घर चलते, खाना वाना तो बना के ही आए थे, अब बस नहाना खाना उसके बाद थोड़ा सा आराम करना है, फिर मिलते हैं आप सबसे। तो चलिए पहले घर पहुँचते हैं। गुस्सा आ रहा ना फ्रेंड, क्या बोलेंगे। हॉस्पिटल में 2 दिन हॉस्पिटल का, दोनों दिन कुछ काम नहीं हुआ। हॉस्पिटल से आते साथ नहा लिए, पूरा बाल गीला है, देखिए ना पूरा बाल गीला है। बाल भी धोना था और ऊपर से इतना गर्मी से तो हालत ख़राब है। हॉस्पिटल में तो इतना भीड़, काय का ऊपर से गर्मी, हालत एकदम ख़राब है। और मनीषा भी आई आते साथ, नहा के वो सोई हुई, उसको ठीक नहीं लग रहा। 2-2 दिन आना जाना ऑटो में, हैरेसमेंट बहुत होता है, बहुत ज़्यादा ही। ऑटो में आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, इतना उछलता है ना, उसको दिक्कत होता है। मतलब जिसको तो उसी को पता है, तो उसको तो दिक्कत हो ही रहा होगा, हम तो समझ ही सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अब जाना तो पड़ेगा ही डॉक्टर भी दिखाने। तो अब आओ भी नहाई और नहा के सो गए, अभी उसको उठाएँ खाना खिलाएंगे। अब पीयू भी खाई नहीं, स्कूल से आके बाबू के साथ थी और बाबू भी अपना स्कूल, हम लोग जैसे आए बाबू अपना स्कूल के लिए जा ही रहे थे। अच्छा उन्होंने तुरंत सही टाइम में आ गए, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम हुआ नहीं, तो वहाँ रुक के क्या फ़ायदा है, वहाँ रुकते तो 5-6 बज जाता। तो इसलिए हम लोग रिटर्न फिर घर आ गए। 1:30 हम लोग एक बजे में कुछ मिनट बाकी थे, हम लोग घर पहुँच गए थे और अभी 1:30 बज रहा है। तो जा रहे खाना भी उसको दे देते हैं, खाना वाना बना के। अच्छा वो हम गए थे, क्योंकि वहाँ से आने के बाद ना कुछ अच्छा नहीं लगता करने का, कहीं बाहर से आने के बाद घर में कुछ करने का मन भी नहीं करता। तो पीयू को भी जा रहे खिला दे, रोबी खाई नहीं है, पता नहीं कुछ खाई है कि नहीं। पीयू खाई है कुछ? हाँ चाउमीन तो टिफिन लेके गए थे, चाउमीन खाया। और कुछ खाए है? और कुछ नहीं खाया बेटा। देखिए ना मेरा मंगलसूत्र कैसे गला में टांगी हुई। अरे मम्मा का मंगलसूत्र है, मेरा बोलती अपना पैसा से खरीदी थी। हाँ? हाँ? देखिए गला में कैसे टांगी है। मम्मा का मंगलसूत्र है बेटा। आप खरीदे थे? हाँ। कब खरीदे थे? मेला से खरीदे थे। हाँ मेला से खरीदी थी बोल रही है, मेरा मंगलसूत्र पहन के घूम रही है। चलो खाना खिला देते हैं, खाना खा लो ठीक है। चलिए खाना इसको भी दे देते हैं, इसको भी खिला देते हैं। और खाना वाना तो बन ही गया है, पीयू को भी खाना खिला दे, उनको बहुत जो भूख लग गई, लोगों तभी तो भूख रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। खाना सब निकाल के रेडी रखे है, चना का सब्जी है, आलू को भुजिया और थोड़ा दिया लगेगा ले। इधर मनीषा बैठी है, इतनी ही खाएगी, थोड़ा थोड़ा करके खाओ, लेकिन बार बार खाओ। चलिए फ्रेंड हम खा ले तो बहुत जो भूख लगा, बहुत जो सुबह नाश्ता भी ठीक से लेते हैं। खाओ तो फिर मिलते हैं आप सबसे, और ब्लॉग को फिर ये पैन करते। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा, लाइक करके कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय बाय। मोबाइल में घुस जाते हैं।